दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि दोस्तों, आप लोगों ने कैसे अपने वाईफाई का स्पीड तेज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, इस तरह का आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो या आप कोई हॉस्टल में हो, आप बात करने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी जगह पे हो कि जिधर आप जो वाईफाई यूज़ कर रहे हो उसका स्पीड बहुत कम है। ठीक है, तो आपने अपनी वाईफाई का स्पीड कैसे तेज़ करना है? ठीक है, तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आप वाईफाई का स्पीड है 2 MB/s या 4 MB/s, ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल उस वाईफाई पे बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो वाईफाई बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा या काम कर रहे बहुत स्लो कर रहे, तो आप चाहते हो कि इस वाईफाई का स्पीड जितने हैं उतने स्पीड के साथ मैं अपने मोबाइल पे उसको चला दूँ। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर वाईफाई का स्पीड 2 MB है, ठीक है, पर सेकंड, तो अगर उस पे यूज़र बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैं आज दो कॉल ऐसे बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जिसके ज़रिए आपको सबसे ज़्यादा स्पीड आपके मोबाइल उसको पिक करेगी। ठीक है, तो आप वही 2 MB/s आप यूज़ कर सकते हो। तो वाईफाई का जितनी स्पीड है, तो सबसे पहला वही स्पीड आपकी मोबाइल जो है ना उसको पिक करेगा, और आप जो है ना वही 2 MB/s स्पीड के साथ आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कौन सी कोड है और आपने उसका सेटिंग कैसे करना है ताकि आपकी वाईफाई का स्पीड तेज़ हो जाए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने जाना है सेटिंग पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, जिस वाईफाई के साथ आप कनेक्ट हो, तो आपने उसी पे लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये जो जेड में लिखा हुआ है, तो इसी पे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप इस पे लॉन्ग प्रेस करें, तो आपको इस तरह कुछ इंटरफेस शो होगा। इसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है मॉडिफाई नेटवर्क पे। जैसे आप इस पे क्लिक करें, तो इसके बाद आप लोगों ने नीचे क्लिक करना है शो एडवांस ऑप्शन पे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करें, तो इसके बाद आप लोगों ने नीचे क्लिक करना है आईपी सेटिंग पे। जैसे आप इस पे क्लिक करें, तो इसके बाद इसको आप लोगों ने चेंज करना है स्टैटिक। ठीक है, जैसे आपने स्टैटिक पे क्लिक किया, तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने नीचे आना है, आपने कोई चीज़ नहीं चेंजना। ठीक है, बिल्कुल एंड पे DS1 और DNS और DNS2, इस दोनों को आप लोगों ने चेंज करना है। इधर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, तो इधर आप लोगों ने टाइप क्या करना है, इधर आप लोगों ने टाइप करना है 208। इसके बाद आप लोगों ने लगाना है डॉट, फिर लिखना है 67, फिर डॉट, इसके बाद 222 एंड 222, 222 डॉट 222। ठीक है, तो इसके बाद DNS2 पे आप लोगों ने क्लिक करना है, इधर आप लोगों ने लिखना है 208.67.220.220। तो दोस्तों, जैसे आप इसको एज ही लिख देते, इसके बाद आप लोगों ने इसको करना है सेव। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप इसको सेव करें दोस्तों, तो इसके बाद क्या होगा कि आपकी वाईफाई का स्पीड जो है ना वो बहुत तेज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल तेज़ वाईफाई पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइम मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं हूँ, तो इस वजह से इधर नीचे मुझे सेव की ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, तो आपको इधर नीचे शो होगा कि सेव। ठीक है, तो फिर आपने सेव करना, जैसे आप इसको सेव करें, तो वाईफाई ऑटोमेटिकली फिर खुद कनेक्ट हो जाएगा और इसका स्पीड जो है ना वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये दो कोड मेन काम है इन दो कोडों की। ठीक है दोस्तों, तो आपने यही कोड लिखना है DNS1 में, यही वाला। ठीक है, और ऐसे ही DNS2 में ये जो डिफरेंट कोड है दोस्तों, तो आप लोगों ने वही टाइप करना है। इसके बाद करने हैं आप लोगों ने सेव। जैसे आप सेव करें, तो इसके बाद
वाईफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली कनेक्ट और आपकी वाईफाई का स्पीड हो जाएगा फास्टर। ठीक है, तो इस तरीके के साथ जो है ना आप अपनी वाईफाई का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। दोस्तों आप लोगों ने करना है इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।